महत्वपूर्ण दान। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे, हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई, उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी थी। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे, अतः मैं ये आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी अंजूरी में वह आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा ये देखकर चकित रह गया, उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध ने वृद्धा का झूठा प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान इस वृद्धा में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का एक छोटा सा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबी हुई बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ही ऐसा दान मिलता है।